महाराष्ट्र में जहां राजनीतिक पेच फंसा हुआ है, वहीं कांग्रेस ने अपना कमीनापन दिखाते हुए एक बार फिर से कांग्रेस की गिरी हुई सोच है ये साबित कर दिया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर लेने वाली पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपने सहयोगियों को हमेशा साथ रखने और सबका साथ सबका विकास की सोच ने बीजेपी को सरकार बनाने से दूर ही रख दिया, क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने के दावे के कारण महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार है वो नहीं उतारे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन कर सभी 288 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे। मतदान हुआ और जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाने का जनादेश दिया। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण शिवसेना को महाराष्ट्र में 56 सीटों पर विजय मिली, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटों पर जीत हासिल हुई। जनता जनार्दन ने बीजेपी और शिवसेना को मिलकर सरकार बनाने का जनादेश दिया, लेकिन परिणाम के बाद शिवसेना ने अपना नजरिया और सोच को बदला और फिर सिर्फ 56 सीटें हासिल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करने का सपना है वो देखने लगी। शिवसेना ने बीजेपी से गद्दारी करते हुए एनसीपी कांग्रेस सहित अनेकों विधायकों के साथ संपर्क कर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन शिवसेना की आतन इस करतूत पर किसी ने भी साथ है वो शिवसेना का नहीं दिया, तो शिवसेना को अपने ही 56 विधायकों पर शक होने लगा कि कहीं ये हमारे वाले ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ना खड़े हो जाए। तो शिवसेना ने इन सभी 56 विधायकों से मोबाइल छीनकर इन्हें एक होटल में बंद कर दिया है ताकि इनसे कोई मुलाकात ना कर सके। लैंडलाइन के बेसिक फोन पर शिवसेना की देखरेख में ये विधायक सिर्फ अपने घर वालों से बातचीत है वो कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने अपनी सड़ी गली सोच के साथ बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने शिवसेना के एक विधायक को 50 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की है। हालांकि शिवसेना के विधायकों की तरफ से ऐसा दावा किसी तरह का अभी तक नहीं किया गया है कि उन्हें किसी तरह से कोई खरीद प्रोक्त करने की है वो कोशिश की गई थी। वहीं कांग्रेस को अपने विधायकों पर रत्ती भर भी भरोसा है वो नहीं है और उनके पैसे में बिकने के डर ने कांग्रेस को बेचैन करके रख दिया है। कांग्रेस के आला कमान ने फैसला लिया है कि वो अपने सभी जो महाराष्ट्र के विधायक हैं कांग्रेस के उनको राजस्थान भेजेगी ताकि वो बीजेपी के संपर्क में आकर रुपयों के आगे घुटने हैं वो ना टेक दे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सभी एमएलए आज शाम तक जयपुर पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के आला कमान का मानना है कि जयपुर में अशोक गहलोत की अगुवाई में उनके विधायकों से कोई नहीं मिल पाएगा तो पैसे के दम पर इनके विधायकों के पैर है वो नहीं डगमगाएंगे। कांग्रेस के लालची विधायकों की देखभाल अब अशोक गहलोत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देंगे और खबर ये भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने का दावा भी पेश नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में कल 9 नवम्बर तक यदि सत्ता बनाने में पेच फंसा रहा तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल चंद घंटों का समय ही बचा है सरकार बनाने के दावे के लिए, लेकिन तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कांग्रेस की इस निकम्मी सोच पर आपके क्या विचार हैं। हालांकि खबर आने के बाद कि बीजेपी दावा नहीं करेगी सरकार बनाने का, उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने विधायकों को राजस्थान भेज रही है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां से ज्यादा जो महफूज है वो उनके विधायक है वो नहीं रह सकते हैं। ऐसी लालची विधायकों पर आपके जो विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली महाराष्ट्र की अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।